स्वागत है आपका दोस्तों हमारे YouTube चैनल में, जिसमें हम आपको रोज़ाना ऐसे हेल्थ टिप्स और ब्यूटी टिप्स बताते हैं जिससे आपकी लाइफ और हेल्थ दोनों इम्प्रूव होती हैं। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं, पौराणिक महत्व से अलग तुलसी एक जानी मानी औषधि भी है। इसका इस्तेमाल वर्षों से किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल कई बीमारियों में किया जाता है। सर्दी खांसी से लेकर कई बड़ी और भयंकर बीमारियों में भी ये एक कारगर औषधि है। दोस्तों ज़्यादातर हिंदू परिवारों में तुलसी की पूजा की जाती है, इसे सुख और कल्याण के तौर पर देखा जाता है, लेकिन ये जाने मानी औषधि कई बीमारियों में भी काम करती है। ये सर्दी खांसी से लेकर कई बड़ी और भयंकर बीमारियों में भी एक कारगर औषधि का काम करती है। आयुर्वेद में तुलसी के पौधे के हर भाग को स्वास्थ्य के लिहाज से फायदेमंद बताया गया है। तुलसी की जड़, इसकी शाखाएं, पत्ती और बीज सभी का अपना अपना महत्व होता है। आमतौर पर घरों में दो तरह की तुलसी देखने को मिलती है, एक जिसकी पत्तियों का रंग थोड़ा गहरा होता है और दूसरा जिसकी पत्तियों का रंग हल्का होता है। अगर आपको सर्दी या फिर हल्का बुखार है तो मिश्री काली मिर्च और तुलसी के पत्तों को पानी में अच्छी तरीके से उबालकर इसका सेवन कीजिए। आप चाहें तो इसकी गोलियां भी बनाकर ले सकते हैं दोस्तों, इससे आपको सर्दी जुकाम में तुरंत राहत मिलेगी। अगर आप दस्त से परेशान हैं तो तुलसी के पत्तों का इलाज आपको फ़ायदा देगा। तुलसी के पत्तों को जीरे के साथ पीसकर इसके बाद इसे दिन में 3-4 बार लेने से आपके दस्त रुक जाएंगे। दोस्तों सांस की दुर्गंध को दूर करने में भी तुलसी के पत्ते काफ़ी फायदेमंद होते हैं और नेचुरल होने की वजह से इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। अगर आपके मुंह से बदबू आ रही हो तो तुलसी के कुछ पत्तों को पीसकर इनका सेवन करें, आपके मुंह की दुर्गंध तुरंत चली जाएगी। अगर आपको कहीं चोट लग गई हो तो तुलसी के पत्तों को फिटकरी के साथ मिलाकर लगाने से घाव जल्दी ठीक हो जाता है। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो घाव को पकने नहीं देते। इसके अलावा तुलसी के पत्तों को तेल में मिलाकर लगाने से जलन भी कम होती है। आप चाहें तो तुलसी के तेल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। त्वचा संबंधी रोगों में तुलसी खासकर फायदेमंद होती है। इसके नियमित इस्तेमाल से कील मुहासे खत्म हो जाते हैं दोस्तों, और साथ ही साथ आपके चेहरे का रंग भी साफ होता है। दोस्तों तुलसी के पत्तों को कभी भी चबाकर नहीं खाना चाहिए। इसे आप पहले से पीस लीजिए या अच्छे से हाथों से कूटकर गर्म पानी में डालकर उबालकर इसके पानी का सेवन कीजिए। तुलसी के पत्तों पर एक बहुत ही बारीक लेयर मरकरी यानी कि पारेगी पाई जाती है। तुलसी के पत्तों को चबाने से हमारे दांतों में नुकसान हो सकता है, इसलिए हमेशा तुलसी का सेवन या तो आप तुलसी के पत्तों को उबालकर चाय के रूप में कीजिए, ज़्यादा पानी में तुलसी का पत्तों को तोड़कर उबाल लीजिए और इस पानी का सेवन कीजिए। आप चाहें तो इन पत्तों को पीसकर भी इनका सेवन कर सकते हैं, बस आपको इनको चबाना नहीं है। आप इनको तोड़कर सादा ही निगल सकते हैं, ये आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसे ही हेल्थ एंड ब्यूटी वीडियोस लाती रहूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।